तो कोफ्ते बनाने के लिए फर्स्टली हमें चाहिए घिया, घिया कद्दूकस की भी, और उसको उसका पानी निचोड़ लेते हैं अच्छे से, और उसमें फिर मसाले मिक्स कर लेते हैं। बस कीवी घिया थी, मैंने घिया में नमक और मिर्च वगैरह ऐड कर लिए, और ये निचोड़ के पानी साइड में रख लिया था ताकि कोफ्ते मतलब तो गीले गीले ना बने। कई बार ऐसे होता है ना, कोफ्ते ही टूट जाते हैं तो वो प्रॉपरली बन नहीं पाते, इसलिए मैंने पानी निचोड़ के साइड में रख दिया था। तो मैंने तेल गरम करने के लिए लगा रखा है, अब हम थोड़ा सा चेकअप करते हैं जरा। हाँ, तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें छोटे छोटे कोफ्ते डालेंगे, मतलब थोड़ा सा छोटे छोटे बना के ऐसे डाल देंगे ताकि फोन हिल रहा है। हमने कोफ्ते डाल दिए, कोई थोड़े बड़े भी हो गए ना, बस मैं यही बनाऊंगी दो चार, क्योंकि मेरा कोफ्ते खाने का बहुत मन था तो मैंने सोचा बना ही लेती हूँ। अब जब बना ही रही हूँ तो थोड़ा रेसिपी आपके लिए भी शेयर करूँ। रेसिपी ऐसा कुछ खास तो है नहीं, मैं तो सिंपल ही बनाती हूँ, बट कई बार मन होता है ना खाने का, बस थोड़े बहुत ऐसे पका लूँगी, और कुछ बेसन, ये मैंने कोफ्ते बना लिए, सारे डाल दिए मैंने क्योंकि अकेले तो खाना है मुझे। ये बन गए, अब हम आंच थोड़ी कम कर देंगे ताकि वो मीठी आंच में पके और जले ना, और घिया भी अंदर से अच्छे से पक जाए। ये मैं इसको इसी पानी में मिक्स कर दूंगी ताकि राड राड हाँ मतलब जो कोफ्ते में गाढ़ापन है ना वो अच्छे से हो जाए। प्लेट बिल्कुल साफ कर दूंगी इसको, और ये देखो मेरे कोफ्ते पक रहे हैं धीमी आंच में, ये मैंने मिक्स कर लिया है। सो गाइस, मेरे कोफ्ते तो पकी रहे हैं धीमी आंच में, तब तक मैं प्याज काट लेती हूँ। प्याज हम आप चाहो तो बारीक बारीक काट सकते हो, और या फिर जैसे भी आपको पसंद हो वैसे, जबकि इसमें तो मतलब वैसे पिसा हुआ ही प्याज अच्छा लगता है, बट मेरे पास अभी वो ग्राइंड मशीन नहीं है तो मैं हाथ से ही बारीक बारीक काटने की कोशिश करती हूँ, और ऐसे ही कट जाएगा। मैं ज़्यादा प्याज डालना प्रेफर करती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है प्याज, इसलिए मैं दो की डाल देती हूँ, बाकी आपने जितना डालना होगा। वैसे भी आप आते होंगे कोफ्ते बनाने, आप आते होंगे नो डाउट, बट एक वीडियो भी हो जाती है, आप लोगों से बात भी हो जाती है, और आपकी रिव्यू भी पता लग जाते हैं, और आपको शायद ये भी पता लग जाएगा कि मुझे खाना बनाना आता है। सो देखिए गाइस, ब्राउन प्याज मेरा ना कितना अच्छे से ब्राउन हो चुका है, इसने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। टमाटर भी डालते हैं इसमें, पर मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आजकल ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं टमाटर अवॉइड कर रही हूँ, और टमाटर मेरे पास अभी है भी नहीं। तो ये हो चुका है, मतलब इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, अब इसको अच्छे से मिक्स करूँ, इसमें रखो, और ये मिक्सचर हम इसमें ऐड कर देंगे। ये ऐड हो गया, हम इसको अच्छे से हिला देंगे ऐसे, ताकि वो देखिए वो पहले ऑलरेडी गाढ़ा सा होने लग गया। ये देखिए कितना गाढ़ा सा मिक्सचर बन चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, या आपके पास दही हो तो दही डाल सकते हो, क्योंकि मुझे दही वाले कोफ्ते अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं इसमें पानी ही ऐड करूँगी। तो पहले कितना लूज था, अब देखो कितना गाढ़ा हो चुका है ये ऑलरेडी। अब हम बेसन अच्छे से पकने देते हैं। अब मैंने इसमें पानी ऐड किया, वैसे तो छाछ दही या दूध के भी, दूध को भी आप ऐड कर सकते हो, पर मुझे पानी वाले ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब मैं बेसन को अच्छे से पकने दूंगी, और हम
मैंने इनमें कोफ्ते ऐड कर दिए। अब थोड़ी देर हमें इन्हें और 5 मिनट तक धीमी आंच पे रखेंगे ताकि कोफ्तों में भी थोड़ा बेसन अच्छे से घुल जाए। सो गाइस, मेरे कोफ्ते कुछ इस तरह के बने। गाइस, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाऊँ, बट वही है कि मेरी डेली की रूटीन तो वही है, ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस आना, खाना बनाना। बट जब मैं कुछ स्पेशल करती हूँ तो मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। बाकी मेरे बोलने का तरीका तो ऐसा ही है, कई लोगों को शायद पसंद नहीं आता हो, उनके लिए सॉरी, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से बोल पाऊँ या फिर ज़्यादा एफर्ट लगाऊँ। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज़ करती हूँ और मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं ज़्यादा एफर्ट्स यूज़ करूँ बात करते हुए, इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल ही बोलती रहती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है मैं बनाती रहती हूँ, और जो मुझे लगता है कि मुझे आपके लिए वीडियो बनानी होती है तो मैं आपके लिए वीडियो भी बनाती रहती हूँ। और बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर भी किया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। बाय बाय।